बढ़िया जी, बढ़िया, क्या बात है। आज तो सवेरे सवेरे तैयार श्यार हो, कमाल हो गया। आज तो कौन से बिठा में नहीं आ रहे हो आप तो। अच्छा, आज कुछ खास बात है? आज कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट है आपका? पता नहीं है सेहो कुछ। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। प्रोग्राम कैसा रहा? बस ठीक था। आपको क्या क्या अच्छा लगा? बस सबको अच्छा ही था। ठीक है, बढ़िया। और कपूर सर, कुछ और नया ताजा चल रहा है? नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं। ओके सिन्हा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको भेजा है हमने सर। हाँ जी, आपको भेजा है हमने। हाँ देखा मैंने, मैंने आपको जवाब लिख के भेजा है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कल का जो प्रोग्राम रहा था सुबह 7 बजे से 8 बजे का था, उसके बाद 8:30 से 9:30 का था हिंदी वाला प्रोग्राम। उसका मुझे लिंक तुरंत पता लग चुका था, क्योंकि उसका वो यूट्यूब लाइव पे वो कास्ट कर रहे थे। ऐसा कुछ पहले बात हुई नहीं थी कि उसका पहले से वो कास्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अब वो उसका एडवांस में यदि वो यदि बात नहीं भी हुई थी उसके बावजूद भी यदि वो यूट्यूब लाइव पर कास्ट कर रहे थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका रिकॉर्डिंग पकड़ लिया। मैंने उसका लिंक, जैसे ही मुझे पता लगा कि इसका कास्ट हो रहा है, मैंने तुरंत आपको लिंक भेज दिया। और लिंक आपको भेजने का फायदा ये हुआ कि ठीक है, सभी लोग उसको देख पाए। अब हो सकता है कपूर साहब को या तो धर्मेंद्र जी या तो मुझे, मतलब खैर मैंने भी पैसे तो भरे थे, 5,900 तो मैंने भी भरे थे, तो ऐसा बिल्कुल नेचुरल है कि भाई हमको लग सकता है कि यार हमने पैसा भरा, हमें देखो 5,900 भर के हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बाकी सबको फ्री में मिल गया। क्यों कपूर साहब, ऐसा हो सकता है ना, लग सकता है ना, महसूस हो सकता है ना। खैर एनीवे, कोई बात नहीं, जो भी रहा पहला प्रोग्राम था, पहले पहले दिन मुझे लगता है फर्स्ट डे की उनकी जो ज्वाइनिंग रही होगी, वो भी शायद कम से कम लास्ट मोमेंट पर उनकी ज्वाइनिंग, मुझे लगता है कि जो कल प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके बाद पिछले 24 घंटे में उनकी जो ज्वाइनिंग रही होगी, कम से कम मुझे लगता है कम से कम 150-200 लोगों ने शायद लास्ट मोमेंट पर ज्वाइन किया होगा। मतलब पिछले जो कल मंडे का दिन था, तो संडे का जो दिन है, संडे के दिन में कम से कम 150-200 लोगों ने तो ज्वाइन किया ही होगा। और इसी वजह से शायद हो सकता है वो, उनको लगा यार अब लिंक बाय चांस किसी को नहीं मिला, क्योंकि ढेर सारी कंप्लेंट आ रही थी कि यार मुझे लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। तो शायद हो सकता है उन्होंने यूट्यूब लाइव डाल दिया कि चलो ठीक है यार, किसी का मिस नहीं होना चाहिए, भले ही कुछ लोगों को फ्री में नजर आ जाए, किसी का मिस नहीं होना चाहिए। यार वो पहले पहले दिन की समस्याएं थी, तो पहले पहले दिन शायद बाकी दिनों में ऐसा नहीं रहेगा। और प्रोग्राम जो है कल का बहुत ही शानदार लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा मुझे। हरिराम जी, गुड मॉर्निंग। क्या है हरिराम जी? ओके हरिराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपनी एक्टिविटीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। तो कल वाला वो जो राजेश का प्रोग्राम था, कपूर साहब तो वहां पर थे। अब कपूर साहब यदि उसके बारे में कुछ और शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उसके अंदर से कुछ और दोबारा से सीखने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग उसके अंदर हुआ, राजेश ने शुरुआत किया कि गली क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर क्या फर्क है। उसके साथ में उसको कंपेयर करके बताया कि वो जो जो ऑर्डिनरी एजेंट है, जो बॉटम एजेंट है, बॉटम साधारण एजेंट में, और जो प्रोफेशनल एजेंट है, उनके अंदर क्या फर्क है। तो उसके अंदर थोड़ा सा कोरिलेट करके बताया कि भाई जो साधारण एजेंट होते हैं, गली क्रिकेट होता है, गली क्रिकेट के अंदर कोई विकेट नहीं होती है, कोई उसके अंदर ड्रेस नहीं होती है, कोई उसके अंदर टाइमिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है गली क्रिकेट के अंदर, कोई स्कोर कीपिंग नहीं होती है, कोई इनकम नहीं होती है, बहुत बुरी हालत होती है गली क्रिकेट के अंदर। जम्प उड़ किया, खेल लिया, कोई उसके अंदर कोई उनका पेमेंट वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, कितना मिलेगा, क्या आएगा, कोई उनकी इनकम विनकम का कोई हिसाब नहीं होता है। तो गली क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट से उसको कंपेयर करके दिखाया, जो हमारा एजेंसी का प्रोफेशन है उसको कंपेयर करके दिखाया कि गली क्रिकेट में और प्रोफेशनल क्रिकेट में उतना फर्क है जितना कि एक नॉर्मल एजेंट में और एक प्रोफेशनल एजेंट में फर्क है। कल एक दीपक धाबलिया जी शेयरिंग कर रहे थे, मैं कल सुबह सुबह प्रोग्राम मैंने लॉग इन किया था, मैंने 8:25 पर मैंने लॉग इन किया मीटिंग में, लेकिन मैं घर से निकल गया था, मेरे को बेटे को वो बस स्टैंड पे ड्रॉप करना था, उसका कल एग्जाम था, 10 महीने के बाद वो 9th क्लास का एग्जाम पहली बारी देने जा रहा था, तो मैंने सोचा भाई साथ में होना चाहिए।
तो मैं अब वो बस उनकी कल लेट हो गई, 9:05 पे बस आई, तो खैर मेरा जूम में थोड़ा कनेक्ट हुआ, थोड़ा हटा, थोड़ा कनेक्ट हुआ, थोड़ा हटा, व्हाटएवर, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसका जो रिकॉर्डिंग था उसके बाद में उसको देखने का कोशिश किया, मैंने सारे दिन के अंदर उसका जो रिकॉर्डिंग था, अच्छा हुआ कि रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल था, तो मैंने उसको बार बार देखने का कोशिश किया। हमारे पास हिंदी का रिकॉर्डिंग था, हमारे पास इंग्लिश का रिकॉर्डिंग था, मैंने हिंदी का रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देखा। दीपक धाबलिया जी उसके अंदर अवेलेबल थे, ट्रिपल टीओटी एजेंट। ट्रिपल टीओटी का मतलब है एक टीओटी 6 MDRT के बराबर होता है, ट्रिपल टीओटी का मतलब 18 MDRT करने वाला एजेंट। यानी कि अभी जो 31 दिसंबर 2020 को जो साल खत्म हुआ है, उस वाले साल के अंदर 18 MDRT के बराबर का काम करने वाला एजेंट। तो दीपक धाबलिया जी वहां पर थे, पार्टिसिपेशन उन्होंने भी किया और भी सारे लोगों ने किया। कल ब्रेकआउट रूम बनाने की भी उन्होंने कोशिश करी, टेक्निकल प्रॉब्लम था। इंग्लिश वाले प्रोग्राम में बता रहे थे कि उनका ब्रेकआउट रूम आसानी से बन गया, हिंदी वाले के अंदर नहीं बन पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे लिए उसके अंदर सीखने लायक क्या बात थी कि रोजाना जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि रोजाना जिन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ टारगेट, कपूर साहब आपकी उंगली मुझे लगता है आपके कैमरे के आगे आ गई है, हाँ अभी ठीक है। तो जो लोग डेली वर्किंग कर रहे हैं, खासतौर से पता नहीं आपने भी कभी ये गौर किया कि नहीं किया कि जितने भी एजेंट, भले ही वो चाहे कितनी मर्जी गरीबी से उन्होंने शुरू किया, भले ही कितने मर्जी एडवर्स सर्कमस्टांसेस से शुरू किया, कितनी मर्जी प्रॉब्लम के साथ उन्होंने शुरू किया, लेकिन यदि उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, कुछ नियम बना लिए, कुछ कायदे कानून बना लिए अपने लिए, यदि उन्होंने लिख कर रख लिया कि हाँ मेरी पहली पॉलिसी सुबह 8 बजे के पहले बिक जानी चाहिए, तो उस आदमी का नाम है भरत पारे, वो आदमी 10 करोड़ कमीशन कमा रहा है। एक आदमी ने नियम बना लिया कि नहीं यार मेरी ना लंच के पहले एक पॉलिसी बिकनी चाहिए, आपकी ब्रांच में राकेश कुमार गुप्ता उस एजेंट का नाम है, 68 लाख रुपीज कमीशन है, 68 लाख रुपए कमीशन है, हस्बैंड वाइफ और बीकर की एजेंसी में। कोई ना कोई नियम हमको बनाना पड़ेगा, यदि हम बना सकेंगे तो हमारा एजेंसी का काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रोग्रेस हो सकता है। हमारे पास, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मीटिंग रूम के अंदर हमारे पास 058132, अच्छा ओके, ये तो मंजू है। मंजू ऐसे ऐसे नाम रख के आती है ना, तो मुझे पता ही नहीं लगता है कि ये, अच्छा वो तो अभी ऑडियो के साथ कनेक्ट हो रहा है मंजू का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक मंजू का ऑडियो के साथ कनेक्ट होता है कोई बात नहीं, तब तक हम मंजू को, मुझे लगता है शायद ऑडियो बटन दबाने की जरूरत है, तो जब तक उसका कनेक्शन होएगा तब तक हम बाकी अपनी जो नहीं कर पा रही है, तो हम तब तक के लिए बाकी चीजें अपना कोशिश करते हैं। आप कुछ और साथी कुछ और बताना चाहेंगे? रिपब्लिक डे का जो ट्रॉफी है, आप में से कुछ लोगों का क्वालिफाई हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हमारे पास इस समय जो साथी अवेलेबल हैं, उसके अंदर से रिपब्लिक डे का तो खैर मुझे लगता है शायद कोशिश तो आप सभी ने किया था क्वालिफाई करने का, लेकिन आज हमारे पास जो चारों साथी हैं उनका चाहे किसी भी वजह से रुका, लेकिन रुका। एक और मैंने टॉप एजेंट्स का जो आदत देखा है वो ये देखा है कि कोई भी एजेंट, कोई भी कंपटीशन LIC का आ जाए, क्वालिफाई करने की कोशिश पूरी पूरी करते हैं और कर ही जाते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन बन जाता है, थोड़ा सिस्टम बन जाता है, डिसिप्लिन के काम कारण काम होता है, सेल जो होता है डिसिप्लिन के कारण होता है। लास्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कल वाला जो है, आपको रिकॉर्डिंग मैंने भेजा था हिंदी वाला भी और अंग्रेजी वाला भी, आप में से किस किस ने वो वाला रिकॉर्डिंग देखा? देशराज कपूर जी तो ऑलरेडी क्लास के अंदर थे, कपूर साहब आप अपनी क्लास का जो कल का एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं ऐसा कोई खास नहीं है, आप बता ही रहे हो कि प्रोफेशनल एजेंट और वो जो दिखाया उसे बताया है। ठीक है बढ़िया, तो हमें कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून बना के रखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला मीटिंग है सवेरे कितने बजे तक हो जाना चाहिए, हमें रजिस्टर में एंट्री करना ही पड़ेगा, हमें नोट डाउन करना ही पड़ेगा, हम किस किस को मिल रहे हैं, कब कब मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सिस्टम उनको बनाना ही पड़ेगा। हमें चाहे जितनी मर्जी कम नॉलेज है, जितनी मर्जी हमारी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन यदि हमने थोड़ा सा सिर्फ एक चीज का ध्यान रख लिया, वो ये कि नंबर ऑफ मीटिंग्स के अंदर हमारा गैप ना पड़े। गैप ना पड़े का मतलब रोजाना कम से कम एक मीटिंग जरूर हो, दो मीटिंग जरूर हो, कोई ना कोई नियम बनाए, दो दिन के अंदर एक मीटिंग हो, 3 दिन के अंदर एक मीटिंग हो, क्योंकि यदि हम रोजाना नहीं करेंगे, दुनिया के अंदर जो लोग डेली वर्किंग नहीं करते हैं उनका काम तभी भी चल नहीं पाता है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो पायलट है, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे वो शोरूम चलाने वाला है, चाहे वो बस ड्राइवर है, कोई भी आदमी है यदि वो रोजाना नहीं करेगा, सूरज भी यदि रोज ना चमके तो दुनिया की हालत खराब हो जाती है।
तो रोजाना खाना खाना पड़ता है, रोजाना सांस लेना पड़ता है, रोजाना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और यदि हम रोजाना का ऐसा कोई सिस्टम बना लेंगे, रोजाना का ऐसा कोई तरीका बना लेंगे, तो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल सकता है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा डेली बेसिस पर, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा डेली वर्किंग, हमें कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी टॉप एजेंट है, आप किसी भी टॉप एजेंट को आप उठाकर देखिए, वो सारे के सारे डेली वर्किंग वाले एजेंट हैं, जो कि रोजाना यहाँ रोजाना अपनी एजेंसी के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, हम एजेंसी के अंदर डेली आधा घंटा काम करते हैं, एक घंटा करते हैं, दो घंटे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। यार एनीवे, हमारे बीच में कपिल जी जुड़ चुके हैं। कपिल जी का स्वागत है। कपिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी आपका कल, हाँ सॉरी, आपकी ट्रॉफी मुझे लगता है कि कल क्वालिफाई होते होते शायद लास्ट मोमेंट पर रह गई, मुझे ऐसा लग रहा है ना। कोशिश तो पूरा है ना, ऐसा ही बोला। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ गया, आपने पूरा कोशिश की तरफ से। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। होता है कभी कभी, हम लोग कभी कभी पता लगा हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं, वो ट्रेन दो मिनट पहले छूट जाती है, कभी फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, कभी पता लगता है पांच मिनट पहले जा चुकी है। सो अब वो कुरियर वाला, एक्चुअली क्या है, कुरियर वाले ना दो तरह के होते हैं। एक तो अर्जेंट वाला कुरियर वाला होता है कि अभी हमने बुकिंग किया सादरे से, तो वो दरियागंज पहुंचा देता है दो घंटे के अंदर, डेढ़ घंटे में पहुंचा देता है। तो ये होता है वी फास्ट। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वी फास्ट को यदि डाउनलोड करेंगे, WEFAST, वी फास्ट, तो ये बोलते हैं अर्जेंट कुरियर। अर्जेंट कुरियर मतलब आपके घर पे आएगा, आपके घर पे उठा के लेके जाएगा, और दो घंटे में, डेढ़ घंटे में। तो ये तो होता है। अर्जेंट वाला जो है, ये वाला तो अर्जेंट कुरियर होता है। तो अर्जेंट कुरियर भी हमारे पास अवेलेबल है, हम अर्जेंट कुरियर के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज अर्जेंट कुरियर ना सही तो हमारे पास, खैर वो दूसरे वाले कुरियर में ना सिर्फ एक समस्या है कि बाय चांस यदि ट्रॉफी का आखिरी डेट चल रहा है तो ये आदमी ना टाइम से पहुंचाता नहीं। सिर्फ इस आदमी का यही तकलीफ है कि वो एक दिन लेता है, दो दिन लेता है, बस ये थोड़ा सा। मतलब जब हमें अर्जेंसी होती है, जब हमें जरूरत होती है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि ये शायद हो सकता है हमें। अब जैसे मैंने मनीष जी को देखा है, मनीष जी क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज होती है, वो वजीरपुर से क्या करते हैं, उन्होंने अपना एरिया बनाया है वजीरपुर के अंदर, वजीरपुर के अंदर वहीं पे कोल्ड कैनवासिंग करते हैं, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, ऑफिस टू ऑफिस, हर एक आदमी के पास जाते हैं, जाके उसको पॉलिसी समझाते हैं, पॉलिसी बेचने की पूरी कोशिश करते हैं, एंड उनकी कुछ एक पॉलिसियां बिक जाती हैं। जैसे ही पॉलिसी बिकती है, अपना फोन खोलते हैं, वो ऐप खोलते हैं वीफास्ट वाला, उसके अंदर वो ऐप के अंदर बुकिंग करते हैं, आ जा भाई, वो फटाफट दौड़ दौड़ के आता है, लो जी हाँ जी बताओ सर क्या करना है। वो मैंने तो कई बार देखा है, वो लिफाफे में पैक भी नहीं करते, वो ऐसे कैसे उसको पकड़ा देते हैं, ले भाई पॉलिसी हो गई है, कैश हो गया है। मैंने तो इवन कई बार ये भी देखा है, वो कैश को भी क्या करते हैं, वो ये पकड़ 10,000 रुपए कैश। कुरियर वाले को कैश, मतलब एक्चुअली रिस्की काम है, बहुत थोड़ा सा खतरनाक टाइप का काम है, लेकिन मैंने मनीष जी को देखा है कि वो कैश उसको पकड़ा देते हैं, ये पकड़ 10,000 रुपए कैश, कैश उसको दिया और लिफाफे में नहीं डालते। कई बार उसको प्रपोजल फॉर्म पकड़ाया, फोटो पकड़ाई, कई बार तो वो कुरियर वाला मेरे पास आता है, जेब में से फोटो निकाल के मुझे दे रहा होता है, कहता है ये फोटो पकड़ो, ये प्रपोजल फॉर्म पकड़ो, ये कैश पकड़ो। मतलब वो कुरियर वाला ना होके मुझे ऐसा लगता है ये उनका पर्सनल असिस्टेंट है मनीष जी का। तो लेकिन हाँ, वो मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो अर्जेंसी के चक्कर में शायद डेढ़ दो घंटा ये जो फटाफट जो पहुंचाता है, शायद उसके चक्कर में मुझे लगता है 100-150, 200 शायद ऐसा कुछ तो पैसा, मतलब पैसा तो ज्यादा लेता है, ये बात तो है, लेकिन हाँ कन्वीनियंस जो है, स्पीड और कन्वीनियंस दो एक्स्ट्रा चीजें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल वाला कुरियर है वो भी 30-40 रुपए के अंदर पहुंचा देता है, बढ़िया है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन कस्टमर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बारी मनीष जी का देखा, वो करोल बाग से किसी कस्टमर का कोई डॉक्यूमेंट उठवाना था, असाइनमेंट का फॉर्म भरवाना था कस्टमर को। अब कस्टमर को तो हम नहीं बोल सकते ना आप कुरियर कर दो, वो तो उम्मीद करता है नहीं मेरे एजेंट आने चाहिए। तो मनीष जी ने क्या किया, कुरियर वाले को बुक किया, तू जा करोल बाग जा, क्लाइंट को फोन कर दिया, सर मेरा आदमी आएगा, आप उसको फॉर्म दे देना। तो उन्होंने फॉर्म दे दिया उसको। अब कस्टमर को क्या लगा कि मनीष जी ने अपना पर्सनल असिस्टेंट भेजा। अब वो कुरियर वाला वो ड्रेस पहन के तो जाता नहीं है कि नहीं मैं फलाने वाले कुरियर कंपनी से हूँ। तो वहां पे गया, उससे लिफाफा उठाया, दरियागंज ऑफिस ले आया। मनीष जी को सिर्फ अपनी फोन के ऊपर, ऐप के ऊपर,
अपनी वहां से असाइनमेंट का फॉर्म उठवा के लाया, भरवा के लाया, दफ्तर में लाके उसने जमा कर दिया। तो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे जिन जिन लोगों को इच्छा है कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए और जिनको लगता है यार महीने का 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपए तनख्वाह देने की जरूरत क्या है, या तो चलो रुपए तनख्वाह देने की जरूरत क्या है, वो मेरे ख्याल से ये इस टाइप का असिस्टेंट मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। आप असिस्टेंट भी रखोगे, महीने का 6,000 वाला भी रखो, 25 दिन काम करेगा, मेरे ख्याल से 200-250 रुपए पर डे के हिसाब से उसका सैलरी बनता है। अर्जेंसी काम है तो फटाफट अपन इसके थ्रू निपटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मंजू का शायद आवाज पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं मंजू, मुझे लगता है शायद बिजी है अभी घर के अंदर, डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। कपिल जी आप और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी नहीं सर, बस थैंक यू सर। प्रोग्राम जरूर कपिल जी चेक कर लीजिएगा, जो कल जो प्रोग्राम हुआ था सुबह 7 बजे से 8 बजे, या तो कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे, आपने उसमें से क्या क्या सीखा? मैंने राजेश कपूर जी का यूट्यूब का प्रोग्राम का लिंक भेजा था, हमारी टीम से देशराज कपूर जी और धर्मिंदर कुमार जी उसके अंदर जुड़े हुए हैं। मैंने भी उसका फीस 5,900 रुपए 50 हफ्ते का पेमेंट कर रखा है। बाई चांस कल वाला पहला सेशन आपको फ्री में अवेलेबल हो गया। कुछ फर्स्ट डे वाले जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से पहले दिन का प्रोग्राम आपको मुफ्त में अवेलेबल हो गया, लेकिन अब हो गया तो हो गया। अभी आप उसका कपिल जी उसको देखा उस वाले प्रोग्राम को? उससे कल तो मैं ऑटो दिल्ली था, अभी आज इस रात को पहुंचा सर, मैं आज रात को पहुंचा था, कल रात को पहुंचा सर, अब सुबह तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने भी क्या किया, मैंने भी उस वाले यूट्यूब लिंक के ऊपर क्लिक करके मैंने उसको ओपन किया। अब मैं चूंकि वो 1.25 घंटे का प्रोग्राम है तो मैंने भी एक ही बार में 1.25 घंटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैंने भी क्या किया कि मैं ड्राइविंग करते करते मैंने अपना फोन डैशबोर्ड पे रखा और मैंने उसको ऑन कर दिया। अब 1.25 घंटे की तो मेरी ड्राइविंग नहीं थी, लेकिन जितने भी देर की थी उतनी देर में मैंने थोड़ा बहुत देख डाला वो ड्राइविंग करते करते। वैसे तो डेंजरस है ड्राइविंग करते हुए, ये सब गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, वो ट्रैफिक वाले की नजर पड़ जाए तो खतरा है, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो खैर एनीवे। तो उसमें क्या है, मतलब मैं, मेरा सुझाव आपको ये है कि आप उसको देख कर ना एक पेपर और पेन लेके नोट जरूर करिए कि उसमें से आपके काम की चीजें कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा ये जरूर जानकारी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगले 49 हफ्ते के लिए भी अवेलेबल है, और वो भी 5,900 में तो नहीं है, मुझे लगता है मेरे ख्याल से 11,800 में अवेलेबल है। वो तो शुरू शुरू में जिन्होंने क्या बोलते हैं प्री लॉन्च के अंदर बुकिंग कर दी है उनका 5,900 में 50 हफ्ते का हो गया। तो अभी बाकी जो साथी हैं उनके लिए अभी फिलहाल 11,800 में अवेलेबल है। पहले हफ्ते का बाई चांस YouTube पे इनको डालना पड़ा, क्योंकि पहले दिन का शायद इनको उम्मीद भी शायद नहीं रही होगी कि इतने ढेर सारे लोग रजिस्टर कर देंगे इनके प्रोग्राम में, तो इनसे मैनेज नहीं हो पाया, आखिरी मोमेंट पे मैनेज नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है शायद इनको YouTube लाइव करना पड़ा। मुझे लगता है बाकी 50 हफ्ते ये सब नहीं रहेगा, तो आप अपनी लर्निंग जरूर इसके अंदर नोट कर लीजिएगा। एनीवेयर क्लेम्स एंड सरेंडर हमारा आज का 5वां पॉइंट है। एनीवेयर क्लेम्स एंड सरेंडर, इसके बारे में आप में से कोई साथी बोलना चाहेंगे? ये एनीवेयर क्लेम्स एंड सरेंडर की जो सुविधा है इसके बारे में आप में से कौन इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको इसकी जानकारी है, नहीं है, कितनी जानकारी है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप कुछ जो भी आप कुछ बोलना चाहें। एनीवेयर क्लेम सेंटर का मतलब होता है कि आप अपनी पॉलिसी का मैच्योरिटी कहीं से भी ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया 2048 ब्रांचेस से। आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर कहीं भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, लोन तो ऑलरेडी अवेलेबल है 2000 ब्रांचेस में से कहीं से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन आप अपना सरेंडर भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पर भी अवेलेबल है। तो क्या ये सुविधा आपके काम की है? क्या हुआ, जवाब नहीं आ रहा क्या? काम का नहीं लग रहा क्या? नहीं, वो हमारा कहने का मतलब सर इसका तो ये तो बड़ा अच्छा चीज हो गया, पहले एक ही ब्रांच में जाना पड़ता था, एक ही ब्रांच में रहना पड़ता था। मेरे सामने, मैं 6th एवेन्यू में रहता हूँ, मेरे सामने वाले जो एवेन्यू है उसका नाम है 1st एवेन्यू। तो 1st एवेन्यू सोसाइटी के अंदर तकरीबन 5,000 लोग रहते हैं। तो 5,000 लोगों में से क्या हुआ कि एक आदमी ने मुझे इंटरकॉम पे फोन किया, तो इंटरकॉम पे फोन किया, तो इंटरकॉम पे फोन करके वो मेरी वाइफ ने उठाया, कहते जी आपके लिए फोन है, वो LIC बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, मैंने इंटरकॉम उठाया। तो हमारे आपस में सारे वेन्यू आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकॉम्स हैं, तो मैंने उठाया।
कहते हैं वो जी वो नई पॉलिसी करानी है मुझे। मैंने कहा अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, कहाँ से पता लगाया आपने मेरे बारे में? कहते जी वो हमने गूगल में सर्च किया था तो ऊपर आ गया कि ये जो 6th Avenue में नई पॉलिसी होती है तो वहीं से करनी है हमको। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे बात किया, पता लगा कि वो मेरठ में गए थे अपनी मैच्योरिटी की पेमेंट लेने के लिए। तो मेरठ के अंदर गए थे, वहां पर उन्होंने बोला मैच्योरिटी में से नई पॉलिसी कर लो। अब मेरठ में उन्होंने जीवन शांति समझा डाला, अब जीवन शांति उन्होंने मेरठ के अंदर उनको समझा डाला, उस समय उनका मन नहीं बना करने का। लेकिन मुझे बाद में उन्होंने कॉल किया जब जीवन शांति का शोर शराबा ज्यादा चला, जीवन शांति जीवन शांति जीवन शांति, तो मुझे फोन करके अननोन पर्सन को फोन करके, मैं तो जानता नहीं था उनके बारे में, तो अननोन पर्सन को फोन करके बोल रहे हैं कि सर जी वो हमें जीवन शांति करानी है। मैंने कहा अच्छा जी, खैर एनीवे वो प्रीमियम मैंने उनसे उठा लिया, 6,000 रुपए महीने का मैंने जीवन लाभ कर डाला। बोला उन्होंने जीवन शांति मैंने कर डाला 6,000 रुपए महीने का जीवन लाभ, वो अलग बात है, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से अरे समय तो हो गया, समय का पता ही नहीं लगा, 9:39 हो, मेरे ख्याल से शायद समय आज हमारा 9:39 तक 9:35 तक था, 4 मिनट ऊपर हो गए हैं। सो समय का आज मुझे सचमुच पता नहीं लगा, तो सॉरी कि मैंने 4 मिनट ज्यादा ले लिया। तो मेरे ख्याल से शायद अब हमें बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब आखिरी में नरेंद्र पाल जी ने ज्वाइन किया है तो मेरे ख्याल से नरेंद्र पाल जी को भी इनवाइट करना चाहिए ग्रीट करने के लिए। नरेंद्र जी नमस्कार, आखिरी के 2-3 मिनटों में आप आए हैं, आपका आखिरी में भी स्वागत है। आपकी आवाज को क्या हो गया नरेंद्र जी? आवाज तो आपकी नहीं आ रही है नरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आपकी आवाज को ठंड लग गया है, आपकी आवाज को ठंड लग गई है। तो नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। सो आप आए, स्वागत है आपका, लास्ट में आप आए यहाँ पर, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया लगा आपको देख के। और आज हमने जो पिछले 22-23 मिनटों के अंदर जो बातचीत करी, तो उसके बारे में आप में से कौन कौन क्या क्या कहना चाहेंगे, या तो आपको क्या क्या अच्छा लगा, कोई भी साथी कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर भी मैं हाँ बोल रहा हूँ। पता नहीं आपकी 90% बातें मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर भी मैं हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर मिलते हैं। कल सुबह हम दोबारा से मुलाकात करेंगे, कल तो बुधवार है, चलो हम फिर परसों मुलाकात करते हैं। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आप यहाँ पर आए, आपका आज का दिन बहुत ही शानदार हो, कम से कम एक मीटिंग जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर, आपका आज का दिन बढ़िया रहे, शानदार रहे, खूबसूरत रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी, गुड डे।